ज्यादा झाड़ी में मत घुस। कुछ तो दिखा मेरे को, कुछ तो दिखा वहां पे। ये लायन जेम्स बॉक को हंट कर रहा है क्या? बाप रे, हंटिंग करने निकले थे स्प्रिंग बॉक का, लेकिन लायन को गोली मार दी है। क्या हो गया मेरे कार को? माय 4x4 जस्ट कॉट फायर। मेरा बैग भी जल गया क्या उधर? ब्यूटीफुल, वाओ। हम लोग वुरोंगा में हैं, सवाना जंगल में, और स्प्रिंग बॉक को हंट करना है और हार्वेस्ट चेक करना है। वुरोंगा एक्सप्लोरर ट्रेल, वुक्सा इज द ईस्ट रीजन ऑफ वुरोंगा सवाना, द हार्ट ऑफ द रिजर्व किस्ड बाय एवरी सनराइज। स्प्रिंग बॉक प्रॉन्क अबाउट द ग्रासलैंड्स एंड दे आर रेयरली अलोन। वुक्सा इज होम टू अ नंबर ऑफ लेक्स इंक्लूडिंग द ट्विन लेक मालवा क्विवीसी एंड सिंगलर लार्जेस्ट लेक इन द रिजर्व। Those water sources draw animals great and small. Whether you're wading in a blind or wading through fields of golden grass, the central savanna is one of the world's most sought-after hunting ground. It is our privilege to maintain it. यहाँ पे वुरोंगा में ये red spot जो दिख रहा है यहाँ पे हम लोग हैं अभी, और ये सब lakes हैं। और यहाँ पे एकदम संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जंगल में lions भी है, काफ़ी डेंजरस एनिमल्स है। तो पहले एक 4x4 ले लेते हैं और चेक करते हैं कि बंदूक में गोलियां हैं कि नहीं। ये डॉगी है, ब्लडहाउंड। ब्लडहाउंड का सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा रहता है और ये ब्लड ट्रेल्स को बहुत दूर तक ट्रैक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अबाउट 100 किलोमीटर तक, मतलब इतना दूर दूर तक ये सूंघ के पीछा कर सकते हैं किसी एनिमल का। बहुत मस्त डॉगी है। सिट, ले डाउन, गुड बॉय। तो पहले 4x4 ले लेते हैं, ग्रीन कलर की ले लेते हैं। चलो, राइड तो अपनी आ गई। और बंदूक पे बुलेट्स है क्या देखते हैं। बंदूक में बुलेट्स क्यों नहीं है? बंदूक में तो बुलेट्स चाहिए ना, इसके सिवा हंटिंग कैसे करेंगे यार। इस एमओ को इसके ऊपर लोड करना है। ओके, इस एमओ को ना इसके ऊपर लोड करना है। तो अभी 50 बुलेट्स आ गई। तो अभी जब रीलोड करेंगे और शॉट लेंगे तो आ गई। या वी आर रेडी बेबी, लेट्स गो हंटिंग। और क्या है अपने पास? ये ऐसी एनिमल की आवाज़ निकाल रहा है कि कोई बहुत मुश्किल में है। और फिर ये कोई छोटा एनिमल मुश्किल में है ये सुन के बड़े एनिमल इसको हंट करने के लिए आएंगे और फिर उनको हम हंट कर देंगे। लेकिन ये इतना बड़ा है डेजर्ट, तो इसके मैप के ऊपर एक वे पॉइंट लगा सकते हैं। तो वे पॉइंट लगाएंगे तो फिर पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो मेरे ख्याल से पहले हम लोग अभी यहाँ पे हैं, तो ये जो बड़ा लेक है इसके पास में जाके देखते हैं। तो लेक के पास में बहुत सारे एनिमल्स पानी पीने के लिए आए रहेंगे, तो शायद हमको भी दिख जाएंगे। वैसे आवाज़ बहुत कम करना चाहिए जंगल में, क्योंकि थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी आवाज़ सुन के एनिमल्स एकदम अलर्ट हो जाते हैं।
लेकिन ये गाड़ी का बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। आजा बेटा। चल तू बैठेगा क्या गाड़ी पे? गाड़ी पे बैठेगा? बैठ जा जा गाड़ी पे। नहीं ये शायद डरता है गाड़ी पे बैठने के लिए। ठीक है ये भागते भागते आ जाएगा अपने साथ। बहुत एनर्जी है इसमें। क्या मस्त आ रहा है भाग के। चल बेटा चल। देखो दूर दूर तक कहीं एनिमल्स दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे धूप के वजह से हवा कैसे हो रही है। चलो थोड़ा रोड छोड़ के अंदर की साइड में घुसते हैं, फिर देखते हैं जंगल में कौन दिखता है क्या। इस सवाना के जंगल में लायन भी रह सकता है। रुक बेटा घुस मत एकदम झाड़ी में मत जा। झाड़ी के अंदर कोई रहेगा एकदम से आ जाएगा, थोड़ा डर लगता है। चलो रास्ते पे से ही जाएंगे। बहुत डेंजर जंगल है ऐसे। जब तक कोई एनिमल नहीं दिख जाता तो ऐसे लगता है कि वाओ क्या खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ ये एकदम डेंजरस भी है। खूबसूरत तो है ही लेकिन उतना ही डेंजरस भी है। पता नहीं कौन कौन से जानवर यहाँ पर रहेंगे। आजा बेटा। किधर गया? आजा आजा। आ जाएगा वो, बराबर आ जाता है वो सुन के। यहाँ पे झाड़ी थोड़ी कम लग रही है तो। बाप रे ये घास भी बड़ी हुई है। ये घास में घुसने को भी डर लग रहा है। रुको इसके पीछे पीछे जाते हैं। इसको आगे चल चल तो आगे चल चल आगे चल, मैं तेरे पीछे आता हूँ। कोई जानवर रहेगा सामने उसके ऊपर। चलो ठीक है। यहाँ से व्यू अच्छा लग रहा है। कुछ आवाज आ रही है क्या? जैसे ग्राउलिंग की थोड़ी सी आवाज आ रही है। वाओ क्या मस्त ट्री है। लेकिन कोई नहीं दिख रहा अभी तक, जानवर एक भी नहीं दिखा। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। है कुछ तो है उधर, भाग रहा है कुछ तो।
मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये झाड़ के पीछे कोई तो दिखा मेरे को। नहीं, लेकिन कोई नहीं है। हो भी सकता है, इतनी झाड़ी में क्या दिखेगा अंदर। यहां से आवाज निकालेंगे तो दूर तक जाएगी। कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है क्या? कोई एनिमल रिस्पॉन्ड कर रहा है? ये जो स्प्रे है, ये सेंट एलिमिनेटर है, तो क्योंकि हवा जिस ओर में चल रही है उस साइड में अपनी सेंट जाती है, तो बस बो एंड एरो भी है। पता नहीं है कैसे चलता है, एक मार के देखते हैं। कुछ टारगेट प्रैक्टिस करते हैं इसको, ये पत्थर के ऊपर मारते। चलो, लगी क्या? अच्छा, इस पेड़ के ऊपर मारते हैं। थोड़ा पास में जाके मार के देखते हैं। आ गया बेटा, तू सो जा थोड़ी टाइम, आराम कर ले, फिर बाद में बहुत भागना है तेरे को। एनीवेज, चलो चलते हैं। चल बेटा चलते हैं। मेरे ख्याल से नदी के पास में ही जाना चाहिए, लेक के पास में ही जाना चाहिए, तो वहाँ पे कुछ एनिमल्स रहेंगे। ये गाड़ी बहुत आवाज़ करती है। सोचो ऐसे जंगल में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी तो कुछ आवाज़ नहीं आएगा। या फिर मे बी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कुछ MP3 रिकॉर्ड करके एनिमल्स की आवाज़ लगा सकते हैं, तो फिर बिल्कुल मास्क हो जाएगी आवाज़ और फिर कुछ समझेगा नहीं किसी को। ये बाजू किसी एनिमल की आवाज़ आ रही थी, तो शायद यहाँ पे रुकेंगे तो दिखेगा। अच्छा, ये लेक दिख रहा है अभी, थोड़ा दूर से ही देखेंगे, क्या पता लायन ही दिख जाए। यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है मेरे को, कुछ तो दिख रहा है मेरे को। है कुछ तो इधर, नहीं ये शायद धूप के वजह से ना, ये हवा ऐसे ऊपर जा रही है, इसके लिए ये ऐसे दिख रहा है सीन। तो मेरे को ऐसे लगा कि कुछ कोई चल रहा है यहाँ पे। लेक के पास में तो कोई पानी पीने, लेक के पास में कोई पानी पीता रहेगा। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा।
यहाँ पे बहुत स्टीप है, संभल के चलानी चाहिए गाड़ी। अरे रुक भाई, यहाँ पे कोई है क्या? यहाँ पे कुछ तो रखा है, हट बांधने का सामान है, टेंट बांधने का सामान है। ये जो मैप में वे पॉइंट लगाया था वो यहाँ पे है। कोई भी पानी पीने के लिए नहीं आया है। यहाँ से कुछ आवाज़ करके देखे गया, कितना दूर तक सुनाई देता रहेगा, ये उस पहाड़ तक सुनाई देता रहेगा। यहाँ पे तो बहुत स्प्रिंग बॉक होने चाहिए, पता नहीं एक भी क्यों नहीं दिख रहा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई एनिमल है क्या? नहीं, ये तो सारे ट्रीज ही हैं। कोई नहीं है यहाँ पे यार, बिल्कुल कोई नहीं है। हम लोग को तो चाहिए स्प्रिंग बॉक। स्प्रिंग बॉक जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, घर घर पे नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। बेटा जब तक स्प्रिंग बॉक नहीं मिल जाता ना, खाना नहीं मिलने वाला। आ जा इधर, आ जा आ जा। जब तक स्प्रिंग बॉक नहीं मिलता खाना नहीं मिलेगा। कुछ तो दिख रहा है, बाप रे क्या जंगल का सीन है। सोचो यहाँ पे अगर किसी के पीछे लायनेस पड़ गई तो फिर कैसे जान बचा के भागेंगे। इतना ओपन है पूरा जंगल। ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के वो बाजू चल के देखते हैं, शायद कुछ दिख जाए। चलो मैं नीचे आ रहा हूँ बेटा, धीरे धीरे उतरना पड़ेगा, बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप है, बहुत स्टीप है। अरे ब्रेक 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 ब्रेक। वाओ कितना स्टीप उतर के आ गया। क्या भाग रहा है मस्त। चल तेरे पीछे पीछे चलता हूँ मैं, तू ही लेके चल मेरे को। चल स्प्रिंग बॉक को हंट करना है, स्प्रिंग बॉक को ढूंढना है। चल चल चल, ज़्यादा झाड़ी में मत घुस। कुछ तो दिखा मेरे को, कुछ तो दिखा वहां पे।
कुछ तो भाग रहा है वहाँ पे। कुछ तो भाग रहा था, मैंने डेफिनेटली कुछ तो देखा। यहाँ रुक के देखते हैं, कुछ आवाजें भी आ रही है। मेरे को एक सेकंड के लिए ऐसे लग रहा था कि मैंने लायन को भागते देखा, क्योंकि ऐसा कुछ बड़ा सा गोल्डन ब्राउन एनिमल लेफ्ट से राइट में भाग के जा रहा था, लेकिन इन झाड़ियों में घुस गया। हाँ, ये कुछ दिख रहा है, यहाँ पे भी एक कुछ दिख रहा है। जेम्स बॉक माइनर, और यहाँ पे 8 लिखा है, मतलब इसके साथ में। और यहाँ पे टाइगर है, नहीं यहाँ पे लायन है। ये लायन जेम्स बॉक को हंट कर रहा है क्या? ओ, ये तो लायन है। तो लायन आया और जेम्स बॉक भाग गया। वाओ, लायन को देखते हैं क्या मस्त चल रहा है। लायन गायब हो गया। वाओ, यहाँ पे एक लायन है। ओ, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। ओ, ये तो मेरी तरफ आ रहा है क्या? इसने देख लिया मेरे को। क्या ये अटैक करने को आ रहा है क्या? बेटा डर मत, बेटा डर मत, डर मत, रुक, तू भी लेट जा थोड़ी टाइम, और भौंक मत ज्यादा। वो लायन है, लायन। इसको तो शॉट लेना ही पड़ेगा, तो ये नजदीक आ जाएगा। अरे ये झाड़ियों में घुस गया, अभी मुश्किल हो जाएगा शॉट लेना। लेकिन मेरे को अभी भी दिख रहा है ये। लग गई इसको गोली। ओपन में नहीं मारा मैंने, लेकिन इसको डेफिनेटली गोली लग गई रहेगी। अगर ये भागा रहेगा तो यहाँ से बाहर आया रहेगा राइट हैंड साइड पे। लेकिन अगर इसको बहुत जोर से गोली लगी रहेगी किसी वाइटल ऑर्गन पे, या फिर सर में, या फिर लंग में, तो फिर ये यहीं पे मर गया रहेगा। ये तो फिर यहाँ पे भागा रहेगा। एनीवेज मेरे को डेफिनेटली लग रहा है कि इसको गोली तो लगी है। लेकिन रिस्क ये है कि ये एक गोली में मरा नहीं रहेगा, और अभी नीचे चला जाऊंगा तो फिर अटैक कर देगा। तो थोड़ा सा दूर से ही देखना पड़ेगा। चल बेटा, लायन को ट्रैक करेंगे। गोली तो इसको लगी है, कम से कम थोड़ा सा खून तो देखने को मिलेगा लायन का। अगर ये भाग भी गया रहेगा, गोली हम लोग ने यहाँ से चलाई थी,
रुक 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 रुक, घाई मत कर, घाई मत कर, नीचे लायन है। या गुड बॉय, आराम से आराम से। डर लग रहा है मेरे को इधर अंदर जाने को। बोलते हैं ट्रैक करने को। मिल गया इसको, इसको खून मिल गया। देखो यहाँ पे खून है। यहाँ पे खून गिरा है, यहाँ पे खून गिरा है। और शायद आगे जाके, रुक बेटा जा मत, वो अभी जिंदा रहेगा। इधर आ जा, इधर आ जा, जा मत उधर, इधर आ जा। इधर से पहले देखते हैं। नहीं ये लायन नहीं है, ये तो लकड़ियाँ रखी है। मेरे को लगा कि लायन ही बैठा है वहाँ पे, इंजर्ड रहेगा तो। पहले देखते हैं इसका खून कहाँ पे गिरा था। यहीं पे कहीं गिरा था खून इसका, मैंने देखा अभी। बाप रे, हंटिंग करने निकले थे स्प्रिंगबॉक का, लेकिन लायन को गोली मार दी है। घने जंगल में आ गए अभी हम लोग। यहीं पे तो है खून, ब्लड ट्रेल वेरी लो। अच्छा मतलब इतनी ज़्यादा गोली नहीं लगी है इसको। चलो फिर भी थोड़ा सा ट्रैक तो करते हैं। ओए 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 ओए, आराम से आराम से आराम से आराम से बेटा, गिर जाऊंगा मैं। खून ट्रैक कर रहा है, कुछ तो दिख रहा है मेरे को। रुक 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 बेटा, रुक रुक, इधर लायन है। है यहाँ पे लायन है, यहीं पे तो छुप छुप गया है। अरे तू क्यों भौंक रहा है, कहाँ पे है? यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है मेरे को। ये तो लायन है। अरे यहाँ पे कितने लायन है, अभी एक यहाँ पे गया। रुक रुक, भौंक मत, रुक भौंक मत तू। चल ट्रैक कर। रुक रुक, धीरे 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 धीरे। यहां से तो
इस लाइन के ऊपर भी यहाँ से तो इस लाइन के ऊपर भी शॉट ले सकते हैं ना, यहाँ पे एक लाइन था। यहाँ पे एक लाइन है, ये देखो दिख रहा है क्या? पानी में आ गया क्या? कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा पानी में चलते हैं। लायन मीडियम साइज का। मर गया ये तो, ये तो इसको लग गई बहुत जोर से, प्रॉपर सर पे गोली लगी है शायद। गया ये, डाउन हो गया वहीं पे। एक और शॉट लेते हैं क्या? नहीं, अभी तक ये तो जिंदा है, लेकिन इसको गोली तो लगी है, प्रॉपर गोली लगी है इसको दो बार। देखो मैंने इतनी गोली मारी फिर भी तू नहीं हिल रहा वहां से। ये बंदूक का रिकॉइल जबरदस्त है। गया है शायद, ये गया, ये याद रखना, ये इस पेड़ के पास में है, ये वाले नदी के बिल्कुल शोर पे, तो चलेंगे यहीं से क्रॉस करते हैं क्या, कि ऊपर से गोल घूम के जाएंगे। अपना गाड़ी किधर गया? मेरा गाड़ी किधर है? अभी ये लायन को ट्रैक करना है कि नहीं मेरे को पता नहीं, इतना घना जंगल है, लेकिन अभी एक दो लायन को गोली मारने के बाद इसे एकदम कॉन्फिडेंस लग रहा है। लेकिन अगर कोई सामने से आ गया ना तो सब कॉन्फिडेंस निकल जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को काबू में रखना जरूरी है। अच्छा एक बार कंफर्म करते हैं यहाँ से, सामने लाइन दिख रहा है, ये तो गया है, ये तो डाउन है। यस, ये तो डाउन है। स्प्रिंगबॉक का शिकार करने निकले थे और लायन का शिकार कर डाला है। वाओ, इसको नजदीक में जाके देखना है मेरे को, लेकिन कहाँ से जाना पड़ेगा अभी? इतना घूम के जाना पड़ेगा क्या कि सीधा यहीं से क्रॉस कर लूँ? लायन का बहुत डर लगता है यार, पता नहीं ये इंजर्ड रहेगा तो। ये और एक शॉट लेते हैं।
नहीं हिल रहा है लेकिन अभी गया है। देखते हैं यहाँ पे अभी तक ट्रैक मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या अभी तक तेरे को ट्रैक? देख तो जरा कहाँ पे जा रहा है तू। कहाँ पे जा रहा है? सुन ना, कुछ नहीं मिला। चल तू, लायन का शिकार कर लिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग बॉक को छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग बॉक को छोड़ देंगे। स्प्रिंग बॉक का शिकार तो करना ही है आज। अच्छा बेटा लेवल अप मिल गया। देखो लेवल अप मिल गया। अरे 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 अच्छा बेटा तेको लेवल अप मिल गया। अरे आजा आजा, अरे आजा, कुछ नहीं करूँगा मैं, आजा। अरे क्यों भाग रहा है ये? कहाँ झाड़ के अंदर बैठ गया तू? इधर आ, ओपन में आ जा, जरा आ जा इधर। हाँ अभी नीचे बैठ, अभी नीचे बैठ। लेवल अप मिल गया मेरे को, तेको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है। हाँ चल अब स्प्रिंग बॉक का शिकार करना है और उस लायन को भी जाके देखते हैं पास से। ये पूरा गोल घूम के जाना पड़ेगा। अरे बाबा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया तेरे को, बिंदास घुस रहा है किधर भी, कोई आ जाएगा सामने। चलो शोर से चलते हैं। कुछ तो है वहाँ पे, इसके लिए रुका है। वो लायन को देखना है ना। ओए बाप रे, ये कितना बड़ा लेक है। अरे ये लेक अनलिमिटेड है शायद, मैं इसको ऐसे नहीं क्रॉस कर पाऊंगा शायद। ये नहीं, इसको ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। स्विमिंग करके जा सकते हैं क्या इस पार? देखते हैं, अगर स्विमिंग करके जा सकते हैं तो फिर लायन को देखेंगे और फिर इस पार आएंगे। लेकिन वहाँ पे जाके ट्राई करने से अच्छा यहीं पे ट्राई कर ले, किस
स्विमिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। तो ये लेक है ना, जो ये लेक कितना बड़ा है देखते हैं मैप में। तो हम लोग यहाँ पे है और ये लेक शायद इतना बड़ा है और शेर यहाँ पे है। तो हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम लोग का वे पॉइंट ये बाजू है, तो हम लोग अगर इतना घूम के जाएंगे उससे अच्छा तो इतना घूम ले। अच्छा, वे पॉइंट ये बाजू है, मतलब ये बाजू लंबा है। ठीक है, शायद हम लोग ने, अच्छा उधर से जा रहे थे, उधर से यू टर्न लिया। बराबर, तो अपना लाइन ये बाजू में ही है, दिखेगा। वो दिख रहा है लाइन, वो लाइन है उस बाजू, दिख गया क्या? या ये एटीवी अगर बोट बन जाता था तो फिर इसको क्रॉस कर लेते थे। चलो कोई बात नहीं, वो बाजू से क्रॉस करेंगे। अभी इतना लायन हंट किया है तो देखने को जाना तो पड़ेगा ना। यहाँ पे खून दिख रहा है क्या? ये किसका खून है? चल इसको ट्रैक कर। ये मतलब उस लायन का ही खून है, लेकिन शायद वो घूम के वहाँ पे गया है और वही लायन था वो जो गोली लगने पे पानी के पास आके खड़ा रह गया, पानी पीने को आया रहेगा। ये बराबर से ट्रैक करेगा। चल 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 चल, आगे रहेगा रे शायद। चल तू, चल मैं दिखाता हूँ तुझको। और आगे रहेगा, और आगे रहेगा। अरे मेरे गाड़ी में से धुआं क्यों आ रहा है? क्या हो गया मेरी कार को? शायद पानी चला गया मेरे कार्बोरेटर में। थोड़ा और पानी डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब मैं पूरा जंगल में ट्रैक छोड़ते जा रहा हूँ, जहाँ पे भी जा रहा हूँ। मेरे को इसके वजह से पता चल रहा है कि हवा कौन सी दिशा में जा रही है। अभी शायद बहुत पास में आ गए हैं, यहीं पे कहीं रहेगा। हाँ दिख गया मेरे को, दिख गया, दिख गया। ये तो धुआं छोड़ रही है, तो ये मिल जाएगी। बाप रे, ये मर गया है, लेकिन मेरे को अभी भी डर लग रहा है इसके पास में जाने को। अभी भी डर लग रहा है मेरे को। तू भी डर रहा है क्या? हाँ, लायन है, विल यू गो चेक हिम आउट? हाँ चल, जाएगा क्या? डरना नहीं है, लायन है लेकिन मर गया है। इसको अपन ने चार चार गोली मारी है। चल उसको देखते हैं और फिर
इंस्पेक्ट करते हैं। चल तू थोड़ा ट्रैकिंग करेगा अभी, है थोड़ा सा तू इसको ट्रैक कर जा। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा हूं मैं। ये रही अपनी ट्रॉफी। इसको पास से देखते हैं। क्या मस्त दिखता है, वाह क्या कलर है इसका। ये मेल है ना, जरा देखे तो। इंस्पेक्ट करते हैं एग्जैक्टली शॉट लगे कहां पे थे। एक्सरे में देखते हैं, पहला शॉट यहां पे लगा था, दूसरा शॉट यहां पे लगा, तीसरा बुलेट भी अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा रहता था तो डैमेज कर जाता था तीसरा बुलेट भी, लेकिन फोर्थ बुलेट प्रॉपरली साइड से लगा, इसके लिए लंग में चले गए चले गया, तो इसको सेव कर दिया। लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है मेरे को, ये क्यों बुला रहा था मेरे को इतना, क्या चाहिए तेरे को। हाँ क्यों भौंक रहा था, मैं इसको देख रहा था ना शेर को। हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं, अभी अपना गाड़ी की तरह है। ओके गाड़ी का बुरा हाल हो गया है। लेकिन स्प्रिंग बक के पीछे चलते हैं, सीधा पहाड़ के ऊपर जाएंगे और ऊपर से देखते हैं कि कोई दिख रहा है क्या। खराब हो गया गाड़ी मेरा, एक भी स्प्रिंग बक नहीं दिखाया मेरे को, एक भी स्प्रिंग बक नहीं दिखाया है, और मैं स्प्रिंग बक हंटिंग करने निकला हूँ, एकदम अनएक्सपेक्टेड है। और सपोजिटली यहाँ पे स्प्रिंग बक की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और स्प्रिंग बक की पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से इनको बहुत तकलीफ हो रहा है, इसके लिए मेरे को मिशन दिया है कि स्प्रिंग बक को मारना है, लेकिन मेरे को तो एक भी स्प्रिंग बक नहीं दिख रहा है। मेरे को तो स्प्रिंग बक से ज़्यादा यहाँ पे लायन की पॉपुलेशन दिख रही है। अच्छा यहाँ पे कुछ रहेगा, दूर दूर तक एक भी स्प्रिंग बक नहीं है। एक्चुअली मैं भूल गया, स्प्रिंग बक को ही मारना है ना। हार्वेस्ट स्प्रिंग बक एंड पास द हार्वेस्ट चेक। ओके लेकिन स्प्रिंग बक जब दिखेगा तभी तो मैं मारूंगा ना, क्या पता ये किसका आवाज है, ये शायद डक का आवाज है। ओए
जल गया, मेरा गाड़ी जल गया। अरे बाबा, बेटा इधर दूर आ, उधर आग लगी है। अरे दूर आ जा, इधर उधर गर्म है, आग लगी है। माई 4x4 जस्ट कॉट फायर। मेरा बैग भी जल गया क्या उधर? ओ भाई, पूरे जंगल में आग लग जाएगी यार। चलो, ये गाड़ी में बहुत मज़ा आया, मेरे को बहुत अच्छा सर्विस दिया तूने। हाँ सॉरी, मेरे पास अभी कुछ फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी नहीं है, तो मेरे को ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत साथ दिया, और हम लोग ने साथ में लायन हंट किया है, तो अभी क्योंकि तू नॉन लिविंग थिंग है तो तेरे साथ इतना इमोशनल होने की का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन फिर भी लव यू, ओके, लव यू डियर, बाय बाय। यू सर्व्ड योर पर्पज़ वेल, यू लिव्ड योर लाइफ वेल, वेल डन, शाबाश, स्टार प्रो, यू आर द बेस्ट। चल बेटा, चलते हैं वापस घर। अभी अपना घर वो बाजू है, तो हम भाग के जाते हैं, लेकिन झाड़ी में से नहीं भागेंगे। शायद भागते भागते स्प्रिंग बॉक्स दिख जाए। क्या मस्त डॉगी है ये, एक्चुअली मेरे से 10 गुना ज़्यादा जोर से भाग सकता है, लेकिन ये मेरे साथ साथ भाग रहा है। देखो, अगर कोई एनिमल आ जाए तो आई एम श्योर ये मेरे लिए जान दे देगा। ये खुद जाके एनिमल से लड़ेगा। लेकिन सामने लायनेस है या फिर लायन है, दिख रहा है क्या? देखो इस झाड़ के इधर। मेरे पास अभी दूरबीन नहीं है क्योंकि मेरा बैग जल गया वो गाड़ी में, लेकिन वहाँ पे लायनेस है, वो बाजू जा रही है। माय गॉड, अरे बाप रे, डर लग रहा है मेरे को तो। बहुत डर लग रहा है बिना गन के। अरे एक बार घर पे पहुंचा थे, उसके बाद गाड़ी लेके वापस जाएंगे। घर जाना है अपन को। डर लग रहा है बहुत। ये लायन को अगर पता भी चल गया ना कि मैं इधर हूं, अभी डॉग को इतना स्मेल आता है तो लायन को भी तो स्मेल आता ही रहेगा ना। लेकिन बस इसको पता नहीं रहेगा कि मेरे पास गन नहीं है। अगर इसको पता चल गया कि मेरे पास गन है, गन नहीं है, तो ये मेरे पे अटैक करेगा। लेकिन इसको ये भी पता रहेगा क्या कि मेरे पास गन हो सकती है? मतलब इसको क्या पता गन क्या चीज़ है, ये क्या है, वो क्या है? इसको तो इतना ही है कि बस भूख लगी तो इसको हंट करना है। और ये कौन जा रहा है, ये कुछ नया लग रहा है। इसको अगर मैं टेस्टी लगा तो फिर ये मेरे को हंट करके खा जाएगा। इसको मेरा डॉगी टेस्टी लगा तो ये इसको खा जाएगा। इसको क्या पता है मेरे पास गन है नहीं है? बाप रे, ये ग्रास के अंदर से जाना पड़ेगा अभी। डेडली,
चलो एटलीस्ट ग्रास के अंदर मैं किसी को दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन इन लोग को रोड आ गया, रोड आ गया रे। फिर भी ये डेंजर है, रोड है मतलब यहाँ पे फेंस वेंस कुछ नहीं है। पता नहीं ये सामने से क्या आ रहा है, काला काला कुछ नहीं, नहीं वो तो बोर्ड है। ठीक है कहाँ पे जाना है अभी, वो बाजू जाना है 394 meters, लेकिन कॉशन नो फेंसेस। अरे बाप रे, चलो इतना यहाँ पे कोई तो बैठा है, यहाँ पे कोई तो बैठा था, क्योंकि यहाँ पे इतना ही घास अंदर गया है। चलो कोई बात नहीं, अरे ये कौन था रे, साइड स्ट्राइप जैकॉल का कॉल आया। अरे जाने दे रे बाबा, मेरा सेफ्टी इसी में है कि मैं इधर उधर नहीं देखूं, बस सीधा चल के अपने घर की तरफ भाग रहा हूं। अगर साइड से लायन भी आ जाए तो भी मेरे को उसके पास देखना नहीं है, क्योंकि देख के भी कुछ फायदा नहीं है, कितना जोर से भाग पाऊंगा, देख के क्या फायदा है लायन को, या लायन के साथ कोई फाइट कर सकता है क्या, कि लायन का बाल वाल खींच के उसके साथ फाइट करेंगे लायन के साथ कैट फाइट हो सकता है, क्योंकि लायन तो कैट है आफ्टर ऑल, तो लायन का बाल खींच देंगे। अच्छा आ गया घर, अभी मैं लायन बन रहा हूँ वापस, क्योंकि घर पे आ गया है। पहले जाके एक गाड़ी लेंगे, शायद होपफुली वापस गाड़ी मिलेगा। कि ये कुछ अलग घर पे आ गए, ये वो वाला घर नहीं है, ये कुछ अलग घर पे आ गए रे। अरे ये वो वाला घर थोड़ी है जहाँ से निकले थे। लेकिन एक बात अच्छी है कि अगर यहाँ पे रात हो जाएगी तो यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि रात में बिना गाड़ी के और बिना बंदूक के कहाँ पे जाएंगे। कुछ नहीं है, दूरबीन नहीं है, कुछ नहीं है। ओए ये क्या था, वार्निंग कॉल ब्लू वाइल्ड बीस्ट। बाप रे, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मैप दिखाओ। अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन अपना घर तो ये है ओरिजिनल वाला। अच्छा इतना दूर आ गए हम लोग, और ये यहाँ पे लायन हंट किया था और यहाँ तक आ गए अभी। तो अभी यहाँ पे जाएंगे तो ही फिर तो फिर कार और मिल सकती है। चलो और भी कुछ चॉइस नहीं है, यहाँ पे तो कार नहीं मिलेगी। तो अभी 2.53 kilometers भागना तो पड़ेगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट कम ऑन बेबी लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट I'm a hunter, it's my gun. Left, 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 right, left. और क्या आवाज आया, तू चल रहे बाबा मेरे साथ में, मेरे को अकेले को डर लगता है। Left, 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 right, left, 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 right, left, 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 right, left. Left, 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 right, left. This is my world, this is my gun.
It's my rifle, it's my gun, it's for hunting, it's for fun. It's my rifle, this is my gun. This is my rifle and this is my gun. One is for hunting and one is for fun. It's my rifle, it's my gun. One's for hunting, one's for fun. Left, 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 right, left, 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 right, left. It's my rifle, it's my gun. One is for hunting and one is for fun. Left, 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 right, left, 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 right, left. Die mode, buy mode. Left, 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 right, left, 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 right, left, left, left. Thug gaya re thoda. अरे बाप रे, ये क्या आवाज़ था। ठीक है, ब्लू वाइल्ड बीस्ट, ब्लू वाइल्ड बीस्ट से क्या डरना, हम तो शेर का शिकार करके आए हैं। शेर का नहीं, लायन का। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, कम ऑन, ओनली 1.9 किलोमीटर्स लेफ्ट। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 left right left 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 right left. It's my rifle, it's my gun, one is for hunting and one is for fun. Are bap re, ghar pe jana hai. Oh bap re, what the fuck. शायद मेरा, शायद नहीं, होपफुली मेरा आवाज़ सुन के यहाँ से एनिमल्स भाग जाएंगे। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट. Come on, only 1.5 kilometers left. पता नहीं क्यों ये झाड़ियों में भागने को ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि कोई एनिमल सामने ना हो। अभी मेरे को शेर की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं देखूँगा नहीं साइड में। लेकिन मेरे ख्याल से ओपन ग्राउंड में भागना ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि सब लोग देख सकते हैं ना, एनिमल्स को भी दिखेगा कि दो, एक डॉग और एक आदमी यहाँ पे भाग रहा है। कोई तो बहुत स्लो मूविंग एनिमल यहाँ पे भाग रहा है, सबसे स्लो मूविंग। इतना तेज़ दिमाग है, लेकिन ऐसा क्यों किया रहेगा भगवान ने कि सबसे स्लो भागते हैं। क्या प्रॉब्लम था, हम लोग भी अगर फास्ट भाग सकते थे तो क्या प्रॉब्लम था। हम लोग का दिमाग इतना तेज चलता है, लेकिन पैर इतने स्लो स्लो क्यों चलते हैं। स्लो मतलब कोई भी एनिमल ले लो आप, मतलब ये चीटी वीटी छोड़ के या कॉकरोच छोड़ के, ऐसे एनिमल्स की बात नहीं कर रहा मैं। वाइल्ड एनिमल्स में थोड़े साइजेबल, जैसे मुर्गी को ले लो, मुर्गी भी तेज भाग सकती है, लेकिन हम लोग एकदम स्लो भागेंगे। झाड़ पे नहीं चढ़ सकते, फास्ट नहीं भाग सकते, ज़्यादा सूंघ नहीं सकते, मतलब ये ब्लडहाउंड के जैसा सूंघ नहीं सकते, ज़्यादा दूर तक देख नहीं सकते, अंधेरे में देख नहीं सकते। डॉग्स को तो एकदम अंधेरे में भी दिख जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो जंगल वाले सेटिंग में, डर गया भाई, ऐसे देखा जाए तो जंगल वाले सेटिंग में हम लोग कितने वीक हैं।
मतलब कुछ है ही नहीं, अपने ताकत कुछ है ही नहीं, कुछ खा नहीं सकते, ऐसा रॉ मीट खा नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते कॉम्बैट में, लेकिन दिमाग का यूज़ करके गन बनाई है, इसके लिए हम लोग ठीक है। यहाँ पे कोई तो है। जेम्स बॉक मीटिंग कॉल। अरे बाबा, मैं जेम्स बॉक नहीं हूँ, मेरे से मीटिंग मत करना, नहीं तो मैं अभी हेल्पलेस हूँ। बाप रे, जेम्स बॉक की डर नहीं लगता, लेकिन होपफुली भालू का मेटिंग सीजन ना चलता हो। फिर भी ये डॉगी साथ में है, इसके लिए थोड़ा ठीक है। और दो पॉजिटिव चीज़ें हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। दो पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक तो धूप निकली हुई है, अगर अभी अंधेरा होता तो सोचो क्या होता था। और वाओ, ये क्या जा रहा है, ये सामने से एनिमल्स भाग रहे हैं, देखा गया, वाइट कलर के, ये यहाँ से भाग रहे हैं, मतलब पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, पीछे से कोई आता रहेगा, इसके लिए ये लोग भाग रहे हैं, ऐसे ही क्यों भागेंगे। चलो चलो देखते हैं पीछे से कौन आ रहा है। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। अभी मेरे पास गन नहीं है, तो मेरे को इतने सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, जब ही दूरबीन थी दूरबीन से देख के एक भी एनिमल नहीं दिखा। बाप रे, क्या आवाज आ रहा है। कम ऑन, ओनली हाफ अ किलोमीटर लेफ्ट, होप्स बढ़ रहे हैं मेरे जिंदा वापस लौटने के। एडवेंचर था आज का दिन, गाड़ी में आग लग गई, लायन को हंट किया, ये भागना एकदम मेडिटेशन जैसा है, भागते समय एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाता है, मतलब नॉर्मल ग्राउंड पे भागेंगे तो भी क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, तो सोचो कि जंगल में भाग रहे हो तो कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा। कोई भी रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो शैडो दिख रहा है मेरे को, कोई तो एनिमल भाग रहा है, शायद मेरी खुद की शैडो रहेगी। जंगल से भागना है, ये किसका आवाज आ रहा है भाई। अच्छा, स्क्रब हेयर था, स्क्रब हेयर मतलब खरगोश, जंगली खरगोश। वाओ, ये सामने से और एक एनिमल जा रहे हैं, दिखा गया, यहाँ पे एनिमल्स है कोई। होपफुली अपने पे अटैक ना कर दे। वार्निंग कॉल, नहीं नहीं वार्निंग वार्निंग मत दे, हम लोग साइड से निकल रहे हैं बस, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं है।
को कुछ नहीं कर रहे हैं और तू भी हम लोग को कुछ मत कर। बस अभी 100 मीटर्स बाकी है, पहुंच गए ऑलमोस्ट। चलो रे, चलो चलो चलो, घर आ गए। घर जाना है मेरे को, घर जाना है, घर जाना है मेरे को, घर जाना है। घर की याद आ रही, घर की याद आ रही है। बस ये आखिरी एक पेड़ क्रॉस कर लूँ, उसके बाद घर आ गया मेरा, घर आ गया रे, घर आ गया। आहा हा हा हा, अरे ये कौन सा घर है, ये कौन से घर में आ गए हम लोग। ये वाले घर में आ गए, लेकिन आउटपोस्ट, ये वाली भी आउटपोस्ट है, ये लुकआउट पॉइंट है, ये लुकआउट पॉइंट के साइड में एक आउटपोस्ट था। अच्छा, तो शायद ये मेरा घर है। अरे बाप रे, ठीक है चलो भाई। इसके लिए ना मैप देखते वक्त, मतलब ये बहुत देरी से पता चला मेरे को, लेकिन मेरी गलतियों से आप लोग सीख जाना और मेरे को खुद को भी सीखना चाहिए कि मैप देखते वक्त कभी भी घाई नहीं करने का। मैप देख लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में जो भी घर दिखा उसको मार्क कर दिया और फिर वहाँ पे निकल गए, उस डायरेक्शन में निकल गए। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये सिर्फ एक प्रॉक्सी है। हम लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं कि डेस्टिनेशन क्या है ये डिसाइड करने के लिए बहुत कम समय देते हैं, और भागने के लिए फुल डेडिकेशन से पूरा टाइम देते हैं। और एक बार निकल गए उसके बाद तो प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर सॉल्यूशंस निकलते हैं, फिर से प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉल्यूशंस निकलते हैं। एक दिन जाता है, दो दिन जाते हैं, एक महीना जाता है, एक साल जाता है, बहुत सारे साल निकल जाते हैं, और फिर हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं और फिर पता चलता है कि ये डेस्टिनेशन तो हम लोग का था ही नहीं। फिर से मैप देखो, फिर से दूसरा डेस्टिनेशन सेट करो, फिर से भाग पड़ो, फिर बहुत सालों के बाद पता चलता है कि ये तो हम लोग का डेस्टिनेशन था ही नहीं, फिर से मैप निकालो। ऐसा हम लोग करते रहते हैं, ये मेरे को अभी रियलाइज़ हो रहा है। अगर मैं थोड़ा आराम से पहले ही मैप देख लेता था या फिर किसी और को पूछता था जिसको मैप पता है, मैप के बारे में कुछ पता है, उसको पूछता था कि बाबा मेरा होम कौन सा है, मेरे को थोड़ा गाइड करना, मेरे को वापस घर पे जाना है, तो मैं डेस्टिनेशन पे पहले ही पहुंच पाता था। अभी मैंने लॉन्ग कट ले लिया, लेकिन ठीक है, ये तो एक फंडा हो गया। अभी इसकी दूसरी साइड अगर सोचोगे तो ठीक है भाई, हो गया, थोड़ी डेस्टिनेशन पकड़ के वहाँ पे पहुँचना है। अभी निकले थे स्प्रिंग बॉक का शिकार करने, लेकिन लायन का शिकार करके मज़ा आया कि नहीं। स्प्रिंग बॉक का शिकार करके घर पे लेके आते थे तो ज़्यादा मज़ा आता था, लायन का शिकार किया,
गाड़ी जल गई, ये तो पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन नहीं हो सकता ना, लेकिन ये सब करने में भी मज़ा आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैप देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन ओपन भी रहना चाहिए कि ठीक है ये डेस्टिनेशन है, लेकिन थोड़ा भटक गए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि मैं कितना भटक सकता हूँ। लेकिन मेरे को आज ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी गाड़ी जल जाएगी। अगर मेरी गाड़ी ठीक रहती थी तो मैं निकला था मैं भटकने के लिए, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी गाड़ी बिगड़ जाएगी, जल जाएगी। तो अपना एम ही है कि भटकना है। तो ऐसा सब है। लेकिन मैप तो देखना चाहिए। पर्पसफुली भटकना एक बात है और गलती से भटकना दूसरी बात है। तो भटकने में भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई पर्पसली भटकते हैं, कोई गलती से भटकते हैं। तो क्या आवाज़ आ रही है झाड़ का? क्योंकि हम लोग ने इतनी जॉगिंग की है इसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। अभी हमको कुछ डर नहीं लग रहा। हाफ अ किलोमीटर बाकी है। आज का कार्डियो तो हो गया है। बाप रे डूड, कौन है तू? जेम्स बॉक का मीटिंग कॉल है। मेरे साथ मीटिंग मत करना प्लीज़। आज ये वाली बात हो गई है कि द हंटर इज फीलिंग लाइक ही इज बीइंग हंटेड। आ गए हैं घर पे और होपफुली अभी तीसरी टाइम पे, अभी मेरे को फिर से ये डाउट लग रहा है कि मैंने तीसरी बार भी सेम ही मिस्टेक कर दी है कि मैप देखने में घाई कर दी, मैप ठीक से नहीं देखा। बस मैप पे हाउस मार्क किया, किधर गया ये? हाँ बॉय, किधर गया तू? क्यों गया उधर? क्या है उधर? किधर गया? क्या है क्या उधर? कुछ तो मिला है इसको। अरे बाबा घर पे जाना है हम लोग को। चल 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 चल, मेरे को थर्ड टाइम भी यही लग रहा है कि अच्छा अभी मीटिंग कॉल नहीं है, अभी वार्निंग कॉल है। ये जेम्स बॉक भी अजीब है, 2 मिनट पहले मीटिंग कॉल दे रही थी, अभी वार्निंग कॉल दे रही है। मीटिंग कॉल और वार्निंग कॉल में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। जेम्स बॉक के भी ये आ गया। अरे बाबा ये भी नहीं है क्या? ये तो अपना ही है ना। ब्लू वाइल्ड बीस्ट, एक मिनट देखते हैं। नहीं नहीं ये तो अपना ही है।
लुकआउट पॉइंट है सेंट्रल सवाना, ये अपना घर है क्या? अच्छा, यहाँ पे एक फास्ट ट्रैवल ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ से फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। लगता है यहाँ पे भालू भी है। अच्छा, ये दूरबीन आ गई वापस, तो गन भी आ गई। और मेरे को कार मिलेगी क्या प्लीज़? मेरे को कार चाहिए रे, मेरे को कार चाहिए। इस टाइम हम लोग रेड वाली लेंगे, नहीं चारकोल वाली लेंगे। ओके, चलते हैं। अभी स्प्रिंग बॉक का हंटिंग करना है, मतलब कहाँ पे चलेंगे? यहाँ पे है, यहाँ पे लायन को मारा था अभी, थोड़ा ये यहाँ पे शायद वो लकड़ी यार रखी थी, वो ये है, ये वो, यहाँ पे कुछ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे रहेंगे स्प्रिंग बॉक। चल बेटा, थोड़ा जंगल के रास्ते पे चलते हैं। थोड़ा सा शाम हो रही है ऐसे लग रहा है ना, धूप कम हो गई थोड़ा। आराम से आराम से, स्प्रिंग बॉक की हंटिंग करनी है, तो मैं मतलब बार बार खुद खुद के लिए ही रिपीट कर रहा हूँ कि स्प्रिंग बॉक की हंटिंग करनी है, स्प्रिंग बॉक की हंटिंग करनी है, क्योंकि फिर दूसरा कोई एनिमल दिख जाएगा तो इसके पीछे लग जाऊँगा। सामने से अभी एक कुछ तो एनिमल गया, एक ब्लैक वाला, मेरे ख्याल से वो ब्लू वाइल्ड बीस्ट था।
गया रहेगा ना रे तू। हाँ थक नहीं गया क्या? थक नहीं गया? थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है तो मेरे को जल्दी से अभी वाइल्ड बॉक नहीं, क्या ढूंढना है मेरे को? स्प्रिंग बॉक्स ढूंढना है। तो खरगोश की आवाज़ थी, खरगोश की आवाज़ मतलब एकदम माइल्ड आती है, कुछ आता ही नहीं है आवाज़। कैसे समझेगा यहाँ पे स्प्रिंग बॉक किधर है? देखना पड़ेगा नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं समझेगा। यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है मेरे को, ब्लू वाइल्ड बीस्ट। हाँ ये शायद स्प्रिंग बॉक है। स्प्रिंग बॉक, यस मिल गया। यहाँ से शॉट ले सकता हूँ क्या मैं? अरे स्प्रिंग बॉक तो मेरे को मिल गया, लेकिन यहाँ से शॉट ले सकता हूँ क्या मैं? अरे ये कितना भाग रहा है, इसको कैसे शॉट मारूँगा मैं? रुक जा एक जगह पे, चलो उस डायरेक्शन में जाते हैं, शायद वहाँ पे स्प्रिंग बॉक रहेंगे अभी, है ना? स्प्रिंग बॉक वेरी इजी करके लिखा है, क्या मतलब इसका? स्प्रिंग बॉक को हंट करना इजी है क्या? हम लोग ने लायन हंट कर लिया लेकिन स्प्रिंग बॉक एक भी नहीं मिला, और ये बोल रहा है कि लायन को हंट करना टफ है, स्प्रिंग बॉक को हंट करना इजी है। ये पहाड़ है ना, इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं यहाँ पे स्प्रिंग बॉक रहेंगे। पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग बॉक के फुटप्रिंट्स भी रहेंगे, अगर स्प्रिंग बॉक यहाँ से गए थे तो फिर वो फुटप्रिंट फॉलो करके फिर स्प्रिंग बॉक के पास जा सकते हैं।
यहाँ पे कुछ तो है सामने, झाड़ी के पीछे कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं है, इस माउंटेन के ऊपर चलते हैं, स्प्रिंग बॉक्स तो मिलना ही चाहिए। एक स्प्रिंग बॉक यहाँ पे गया था तो अकेला थोड़ी ही जाता रहेगा ऐसे, स्प्रिंग बॉक तो बहुत सारे रहेंगे ना साथ में। स्प्रिंग बॉक तो बहुत सारे रहेंगे एक साथ में। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। कहाँ पे गया, आजा आजा। स्प्रिंग बॉक हंट करना वेरी इजी है लिखा है, लेकिन ये मेरे को वेरी वेरी हार्ड लग रहा है। सेंट्रल सवाना में इतना टाइम घूम लिया, इतने टाइम के बाद हम लोग को बस एक स्प्रिंग बॉक्स दिखा है, वो भी बहुत दूर से, और वो भी जंप करते करते जा रहा था, भाग रहा था। तो ऐसे नहीं था कि उसको गोली मार सकते थे, वो बहुत दूर था। ये वेरी इजी है, इसका मतलब हम लोग कुछ तो ऑब्वियस चीज़ मिस कर रहे हैं कि ये स्प्रिंग बॉक का लोकेशन है और यहाँ पे बहुत स्प्रिंग ब्रॉक रहते रहेंगे, ऐसे कुछ तो रहेगा। तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा रहे, इसके लिए हम लोग को एक भी स्प्रिंग बॉक नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे तो दिखा था। वाओ क्या व्यू है यहाँ से, व्हाट अ नाइस व्यू। आराम से, दिस 4x4 इज नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल। सरप्राइजिंगली एक भी एनिमल नहीं दिख रहा मेरे को, यहाँ से देखते हैं थोड़ा। आराम से।
Sami Namina, Waka Waka, Sami Namina. This time for Africa. Savannah. Springbok, kidhar hai, aaja. Are Springbok, kidhar hai, aaja. Springbok, kidhar hai, aaja. Springbok, kidhar hai, aaja. भाई लोग, मैं बहुत वाव, ये व्हाट इज दिस, कुछ तो दिखा क्या आपको? वहाँ माउंटेन पे से कुछ तो जा रहा है. जो डेस्टिनेशन सेट किया था वहां पे चलते हैं. ये पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं वो बाजू से है. मिलेगा कि नहीं आज स्प्रिंगबॉक? वाओ, क्या कलर हो गया स्काई का. और ये पानी के अंदर रिफ्लेक्शन आ रहा है. इधर चले गए. आजा, अच्छा इधर वो लकड़ी रखी थी वो जगह पे आ गए हम लोग वापस. दूर दूर तक कोई एनिमल नहीं दिख रहा हम लोग को. मेरे ख्याल से ना आज हम लोग बहुत थक गए हैं. अभी जितना भी ढूंढेंगे तो स्प्रिंगबॉक नहीं मिलने वाला. तो आज क्या करते हैं, ये एक लुकआउट पॉइंट पे जाते हैं जो पास में ही है.
और फिर वापस घर लौट जाते हैं। तो लुकआउट पॉइंट से सनसेट एंजॉय करेंगे और फिर वापस घर पे जाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि एक बार गिव अप कर दिया तो फिर अचानक से सामने आ जाता है। अच्छा, वो टावर दिख रहा है सामने, वहाँ पे ऊपर चल के सनसेट का नज़ारा देखते हैं। किधर है तू? ओके, कम यार, तू थोड़ा टाइम इधर ही आराम कर ले। ओके, ओके, मैं ऊपर जाके आता हूँ, ठीक है? क्या मस्त दिख रहा है। लुकआउट पॉइंट, फायर रिस्क, लो, मीडियम, सीवियर, एक्सट्रीम। अच्छा, मतलब ये मैप में मार्क किया है। हम लोग अभी यहाँ पे है, फिर अभी ये सनसेट का नज़ारा है। क्या डेडली जंगल एक्सपीरियंस किया आज। वहाँ पे कई सनसेट हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे सनसेट हो गया ऐसे लग रहा है। बिल्कुल शांति है सब जगह पे। शांत है। ये लोग भी बोलते रहेंगे ये कौन आ गया, इतने रात को चिल्ला रहा है, शाम को चिल्ला रहा है। एको आ रहा है क्या आवाज का? देखो, ये पहाड़ पे से एको आ रहा है। ओके, आ रहा है। एको आ रहा है ये बाजू बहुत अच्छे से आ रहा है। एको, चलो तो बहुत हो गया अभी।
आज के लिए बहुत हो गया, अभी खाना खा के सो जाते हैं। किधर है अपना घर? यहाँ से निकले हम लोग। अच्छा, ये जो रोड है इमीडिएटली लुकआउट टावर के नज़दीक वाला रोड, वो सीधा घर पे जाता है। मतलब ये डेड एंड है घर का, और फिर ये मेन रोड को कनेक्ट होता है। इसको याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस जंगल में हम लोग बहुत टाइम खेलेंगे, तो ये सही रास्ता है। बहुत अंधेरा हो गया है तो लाइट जलाते हैं। वाओ, क्या मस्त नज़ारा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। दैट्स सो ब्यूटीफुल। सिट डाउन बडी। What if some animal walks in? It can be scary. It can go from beautiful to scary in 1 second. So let's head home. ये कभी, ये नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली करेंगे। हार्वेस्ट स्प्रिंग बॉक एंड पास द हार्वेस्ट चेक, ये अभी बाकी रहा। अभी बहुत टाइम हो गया है, मैं जंगल में गया ही नहीं। यहाँ पे जंगल का आवाज आ रहा है तो यहाँ पे करते हैं। अरे इधर क्या, बंदूक का क्या काम है इधर? इधर बैठ के ये आवाज़ निकालूंगा तो बड़ी को लगेगा कि क्या हो गया। वाओ, मैंने गाड़ी के लाइट ऑन नहीं किए, ऑफ नहीं किए शायद। गाड़ी के लाइट में भूल गया, बैटरी डाउन हो जाएगी ना।
लाइट ऑफ। ठीक है अभी लाइट ऑफ हो गए। वाह बहुत मज़ा आया आज, होपफुली आपको भी अच्छा लगा रहेगा। सो ब्यूटिफुल। अच्छा अंदर तू भी अंदर आ जा, आई डोंट माइंड, कम हियर यू कैन स्टे विथ मी। अरे बाहर सोने की ज़रूरत नहीं है। ओए हेलो कम हियर, आ जा अंदर। ये शायद अंदर नहीं आएगा, ये बाहर ही सोने वाला है। शायद बाहर ही सोएगा, तो एक काम कर तू यहाँ पे बाथरूम के अंदर सो जा ना, यहाँ पे सो जा, तो यहाँ पे आराम से सो सकता है। किधर गया? अच्छा भाई सो जाते को जहाँ सोना है वहाँ पे सो जा। एक बार वापस देखते हैं। ब्यूटीफुल वाओ। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।